एक बार जंगल में बंदरों के एक झुंड को एक घंटी पड़ी मिली। हर रात बंदर घंटी की मधुर धुन सुनने लगे, लेकिन गांव वाले घंटी की आवाज को डरावना मानकर उसे डरने लगे। तब गांव की एक बुद्धिमान महिला जंगल गई और असलियत का पता लग गया। उसे पता लग गया कि बंदरों का एक झुंड ही घंटी बजाया करता है। उस महिला ने जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ मूंगफलियों के दाने और फल रख दिए। इसके बाद वह महिला कुछ दूर बैठकर देखने लगी। बंदरों ने जैसे ही खाने की चीजें देखी, बंदरों ने घंटी छोड़ दी और पेड़ के नीचे रखे खाने के सामान पर झपट पड़े। उस महिला ने जल्दी से वह घंटी उठा ली और गांव वापस आ गई। गांव वालों ने उस महिला की बुद्धि की सराहना की। मामूली बातों से किसी को घबराना नहीं चाहिए। क्या सीख मिली? बुद्धि और साहस से सारी परेशानियों का सामना किया जा सकता है। बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो उसने झाड़ी पर फंसी एक चिड़िया देखी। उसने चिड़िया को निकालकर जेब में डाल लिया और वो लकड़हारा आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे सामने से एक राक्षस आता दिखाई दिया। अब तो वो बहुत घबराया, डर से उसका खून सूखने लगा, परंतु उसने अपना डर राक्षस पर प्रकट नहीं किया। वो बहुत शांति से खड़ा रहा, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। राक्षस ने लकड़हारे को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? लकड़हारे ने ऐसा प्रकट किया जैसे उसने उसकी बात ही ना सुनी हो। इस पर राक्षस को क्रोध आ गया। वो कड़क कर लकड़हारे से बोला, भाग जाओ यहां से, नहीं तो मार डालूंगा। लकड़हारा बड़े इत्मीनान से बोला, क्यों, मैं क्यों भागूं? क्या तुम मुझसे अधिक बहादुर हो? तुम मुझसे लड़कर देख लो। राक्षस बड़े जोर से हंसा और बोला, तुम मुझसे लड़ोगे? क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ यहां से, मैं तुम जैसे छोटे आदमी से क्या लड़ूंगा? अगर तुम देखना चाहते हो कि कौन बहादुर है तो पत्थर फेंक कर देख लो, जिसका पत्थर दूर जाए वही अधिक बहादुर है। यह कहकर राक्षस ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे बहुत दूर फेंक दिया। ये देखकर लकड़हारे ने कहा, तुम्हारा फेंका पत्थर तो फिर धरती पर वापस आ गया है, परंतु मेरा पत्थर कभी वापस नहीं आएगा। लो ये देखो। ये कहकर लकड़हारे ने एक पत्थर उठाया। उसने उस पत्थर को चतुराई से जेब में रख लिया। उसने जेब में से चिड़िया निकाली और फिर गुलेल द्वारा बड़े जोर से ऊपर की ओर छोड़ी। चिड़िया तेजी से आकाश में उड़ गई। राक्षस ने समझा कि लकड़हारे ने पत्थर इतनी जोर से फेंका है कि वो ऊपर की ओर चला जा रहा है। उसे लगा कि लकड़हारा सचमुच उससे अधिक बहादुर है, परंतु वो अभी यह बात मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक पेड़ को उखाड़कर लकड़हारे से कहा, क्या तुम इस पेड़ को उठाकर चल सकते हो? इसे, इसमें क्या रखा है? चलो आगे से तुम उठाओ और पीछे से मैं, लकड़हारा बोला। राक्षस ने पेड़ को तने की ओर से उठा लिया और लकड़हारे ने पीछे से पेड़ की एक टहनी पकड़ ली। पेड़ का सारा बोझ राक्षस पर पड़ रहा था, अतः कुछ ही दूर चलने पर वो थक गया और हांफने लगा। उसने पेड़ को धरती पर गिरा दिया और लकड़हारे की ओर देखने लगा। अरे रुक क्यों गए? क्या थक गए हो? मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका, हंसते हुए लकड़हारा बोला। राक्षस अपने आप को बहुत बलवान समझता था, पर लकड़हारे को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस छोटे से आदमी से हार गया है, मुझे जरूर उसे पाठ पढ़ाना चाहिए। उसने सोचा और लकड़हारे से कहा, चलो भाई मेरे साथ चलो, आज तुम मेरे घर पर ही ठहरना। लकड़हारा राक्षस के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर राक्षस ने लकड़हारे का बड़ा आदर सत्कार किया। फिर उसने उसके लिए एक पलंग बिछाया और उसे आराम करने को कहा। लकड़हारे ने सोचा कि हो ना हो,
इसमें राक्षस की चाल है। उसने पलंग पर कपड़ा डाल दिया जिससे लगे कि वो सो रहा है। फिर वो एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। रात को राक्षस ने पलंग में आग लगा दी, ये सोचकर कि अब लकड़हारा जल जाएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ले बच्चू, अब तुझे पता चलेगा कि कौन बहादुर है। फिर वो सो गया। अगले दिन जब राक्षस सोकर उठा तो उसने देखा कि लकड़हारा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। अब लकड़हारा बहुत खुश हुआ और राक्षस के मकान में बड़े मजे से रहने लगा। यमदूत की युक्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने वाला रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे। इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पाए कि उनमें से मूर्तियों कौन सी है और असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं लिए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने सभी मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। हाँ, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बता देता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। और वो बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। तो दोस्तों, इस कहानी का तर्क यही है कि इतिहास गवाह है, अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। रहस्य। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वो हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। चह जसपतर वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये कपोल कल्पना है।
मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गेंद के भी ये तस्वीर खींच लेता है, कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का ये अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वो लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा।
थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ हैं ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। पाठ चौथा, झूठा डर। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। राजू अपनी छोटी बहन उमा के साथ उद्यान में खेल रहा था। उद्यान मतलब गार्डन। उमा ने राजू से दौड़ की शर्त लगाई। राजू उमा के हाथ पर ताली देकर दौड़ पड़ा। उमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। थोड़ी देर बाद ही दोनों हाफने लगे। हाफना मतलब गैस्ट। कुछ देर सुस्ताने के बाद वे पूल तक पहुंच गए। सुस्ताना यानी टू टेक रेस्ट। कल कल करती नदी बड़ी अच्छी लग रही थी। कल कल यानी साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर। अचानक राजू की निगाह नदी के किनारे झाड़ी के पास ठहर गई। निगाह मतलब आई साइट, झाड़ी मतलब श्रबरी। उस झाड़ी के पास एक बौना आदमी खड़ा है। उमा, बौना मतलब ड्वार्फ। उसने उंगली से संकेत करते हुए कहा। संकेत मतलब साइन, इंडिकेशन। उमा ने गौर से देखा और बोली, हाँ उसका सिर बड़ा है और टांगे पतली हैं। चलो नजदीक चलकर देखें। नहीं उमा, हो सकता है वो कोई जादूगर हो। उमा डर गई, फिर साहस करके बोली, मेरी बहन जी तो कहती है ये जादू टोना सब झूठ है। फिर भी मुझे डर लग रहा है, आओ घर चले। साहस मतलब करेज। दोनों भयभीत घर लौट आए। भयभीत यानी फ्राइटेंड और स्केर्ड। आते ही राजू ने अपने पिताजी से कहा, नदी के पुल के पास हमने एक बौना आदमी देखा। हाँ पिताजी, उसे देखकर हम डर गए, उमा बोली। क्या तुम दोनों ने उससे बात की? पिताजी ने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। पिताजी कुछ सोचने लगे, फिर बोले, तुम दोनों वापस वहां जाओ और उस बौने को घर बुलाकर लाओ, हम उसे मिठाई खिलाएंगे। दोनों डरते डरते दोबारा उस स्थान पर गए और झाड़ी के आसपास देखने लगे। दोबारा मतलब सेकंड टाइम। राजू अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, उमा हम लोग कितने बेवकूफ है, उस ठूंठ को ही आदमी समझ बैठे। ठूंठ मतलब स्टम्प। हाँ, जब हम आए थे तो धूप थी, झाड़ी की परछाई पड़ने से ये ठूंठ हमें बौने आदमी जैसा लगा, उमा बोली। परछाई मतलब शैडो। दोनों घर लौटे। पिताजी बोले, कहो भाई बौने को ले आए। इस पर दोनों बोले, वो तो भाग गया और अब कभी नहीं आएगा।
पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, लो ये गुलाब जामुन खाओ, तुमने उसे हमेशा के लिए भगा जो दिया।